फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम जैकेट में डालने के लिए दो तरह से डोरी बनाएंगे। और ये जो डोरी है, ये मैंने चार धागे लेकर बनाई है। सेम इसी तरह से आप दो धागे लेकर बनाएंगे तो थोड़ी पतली बनेगी, वो आप फिर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में डाल सकते हैं। जैकेट के में डालने के लिए मैंने ये थोड़ी सी मोटी बनाई है, थोड़ी थिक बनाई है। ये देखिए, यहाँ पर चेन स्टिच दिखाई देती है, साइड से देखेंगे तो यहाँ पर भी चेन स्टिच है। ये मैंने चार धागे लेकर बनाई है, ये थोड़ी अलग तरीके से बनाई है। देखिए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके लिए देखिए, मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है, 8 नंबर ये क्रोशिया हुक है, 4 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोरी बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 बॉल लिए हैं डोरी बनाने के लिए। वैसे तो हमें वूल कम ही चाहिए, इतनी वूल नहीं चाहिए, बस हमने 4 अलग अलग धागे लेने हैं। थोड़ी थोड़ी सी वूल सभी में से लगेगी, क्योंकि मैं डबल धागे से डोरी बनाऊंगी। तो पहले ये दो पकड़ के हम इनको इकट्ठा करेंगे। देखिए इस तरह से हम धागा चलाएंगे, और इन दोनों से भी मैं इसी तरह से दो धागे जोड़ के बनाऊंगी। ये देखिए, डबल धागा लिया है, यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर भी डबल लिया है। आप चाहे तो सिंगल धागे से भी बना सकते हैं। सिंगल धागे से बनाएंगे तो डोरी थोड़ी पतली बनेगी, अगर डबल करके इस तरह से बनाएंगे तो डोरी थोड़ी मोटी बनेगी, थिक बनेगी। 8 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है, 4 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, दोनों को इकट्ठा पकड़ लिया। देखिए, यहाँ से इसको भी मैंने साथ में पकड़ लिया, और थोड़ा सा धागा ऐसे, ये चारों धागे मैंने थोड़े से छोड़ दिए हैं नीचे। देखिए, ये ऐसे है। अब यहाँ से हम क्रोशे हुक डाल लेंगे, इस धागे को लिया, ऊपर वाले धागे को इसमें से निकाल दिया, फिर नीचे वाले धागे को लिया, ऊपर वाला धागा लेंगे, इसे यहाँ से निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले धागे को लिया। देखिए, क्रोशे के ऊपर दो धागे हैं, ऐसे निकाल दिया। आप चाहे तो ये वाला जो धागा है, इसे हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। चाहे आप इस तरह से, जैसे मैंने बनाया है, ये देखिए, नीचे वाले धागे को ऐसे घुमाया, ये दो हैं क्रोशे के ऊपर, ऐसे निकाल दिया। देखिए ऐसे, या फिर ऐसे घुमा के, तो कैसे भी, जैसे आप धागा पकड़ते हैं वैसे पकड़ लें। बस नीचे वाले धागे को ऐसे हमने घुमाना है, ऊपर वाले धागे के साथ हमने ऐसे फंदे को निकाल लेना है। तो इसी तरह से बनाते हुए डोरी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह के बन, देखिए चेन स्टिच इस तरह से बनता जाएगा। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको चेन स्टिच दिखाई देगा। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे फास्ट फास्ट आप बना लें। तो डोरी देखिए, यहाँ पर मैंने बना ली है, जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतनी आप बना लें। एंड में जाके देखिए, हमने किस तरह से बस इस धागे को लेके यहाँ से मैंने निकाल दिया, ये वाले धागे को नहीं लिए, और यहाँ से हम इसे काट देंगे धागे को। एक ही ये नीचे वाला जो धागा था उसे मैंने निकाला है, इन दोनों को नहीं निकाला, इस तरह से अलग अलग रखा है। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने धागा बड़ा रख के काटा है। अब आप डोरी देख लें,
डोरी की लेंथ आप देखिए, मैंने थोड़ी लंबी रखी है। आपको अगर छोटी डोरी चाहिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें इलास्टिसिटी है, इसे खींचो तो ये खींचती है। तो लेंथ मैं आपको बता देती हूँ अभी मैंने कितनी रखी है। आप चाहें तो इससे छोटी भी बना सकते हैं, यहाँ तक हम मेज़र करेंगे। देखिए ये डबल है, सताईस इंच, 27 इंच। अब यहाँ पर नीचे हम लटकन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 8.5 इंच का मैंने, ये देखिए इस तरह के मैंने यहाँ पर 30 धागे लिए हैं। 30 धागे लेकर देखिए यहाँ पर हमने ये दो अलग अलग हमारे पास है इस तरह से, यहाँ इसके बीच में दोनों के बीच में रखेंगे। दोनों साइड देखिए बराबर होने चाहिए। यहाँ पर हम इसके नॉट लगाएंगे। जो हमने धागे शुरू में बड़े रखे थे वो इसीलिए रखे थे ताकि इसी धागे से हम बाद में नॉट लगा सकें यहाँ पे। और ये जो नॉट है हमारे इसके बीच में आ जाएगी। देखिए ये वाले धागे के ऊपर हमारे ये सारे धागे आ गए, तो वो जो अंदर वाले नॉट वाले धागे हैं वो भी हमारे छुप गए हैं। अब यहाँ पर हम इसे पक्का करेंगे। थोड़ा सा मैंने धागा लिया है, इसे इसके साथ मिला ले। ये देखिए अगर आप इसकी लेंथ कम रखना चाहते हैं तो 8.5 जो हमने धागे की लेंथ ली है वो आप थोड़ी छोटी लें। और ये जो हमारे दो ये वाले जो धागे हैं ये इस तरह से यहाँ पर अलग से रहते हैं, ये अलग से ना रहें इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैंने बारीक क्रोशिया लिया है। यहाँ से देखिए ये जो हमने नॉट बनाई है इन फंदों के बीच में से हमने यहाँ से इसे निकाला। देखिए ऐसे करके मैंने इसे पकड़ा ताकि इसे ये खींचे ना, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ से हमने इसे निकाल दिया। अब ये जो दो धागे हैं ये अलग नहीं रहेंगे जिनके साथ हमने नॉट लगाई है। अब आप इसे ऐसे फैला के, पहले हमने थोड़ा इसे लंबा रखा है ताकि जब हम इसे काटेंगे तो ये छोटा ना रह जाए। इसी तरह से हम दूसरी साइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। ये जो दो धागे हमने अलग अलग रखे हैं इन्हें हमने एंड में इकट्ठा नहीं किया, तो यहाँ सेंटर में वो 30 रख लेंगे फिर इसके साथ नॉट लगाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड देखिए मैंने इसके लटकन बना दी। तो आप एक इस मेथड से डोरी बना सकते हैं, इसमें हमने दो धागे साथ साथ चलाए हैं। आप चाहे तो सिंपल जो हमारा चेन स्टिच होता है उससे भी डोरी बना सकते हैं। देखिए 3 धागे मैंने इकट्ठे रख के ताकि डोरी जो है थोड़ी मोटी बने, थिक बने। तो सिंपल हम चेन स्टिच से डोरी बना सकते हैं। धागा थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है शुरू में। इस तरह से ये मैंने 3 धागे लेकर बनाई है। आप चाहे तो डबल धागा 2 धागे लेकर भी बना सकते हैं। 8 नंबर क्रोशिया हुक है,
सिंपल देखिए हमने चेन स्टिच से बनाई है, और ये डोरी भी अच्छी लगती है, और ये तीन धागे लिए हैं तो ये डोरी मोटी भी है, तो मैं इसे भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो येलो डोरी के एंड पर भी मैंने इस तरह से सेम लटकन बनाई है, देखिए। तो दोनों डोरी की लेंथ देखिए बराबर है, थोड़ी सी येलो डोरी छोटी है ज़रा सी। किसी भी तरह से आप डोरी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।